इस प्रोग्राम में दिखाई गई कहानी एक काल्पनिक है। हम इस कहानी के माध्यम से किसी भी शैतानी शक्तियों का समर्थन नहीं करना चाहते। इस कहानी में दिखाए गए किरदार काल्पनिक है। यदि किसी के साथ इसकी समानता होती है तो मात्र उसे एक सहयोग कहा जाएगा। अनंत ब्रह्मांड, इसमें बसी हुई धरती का निर्माण करोड़ों साल पहले ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने किया था। अपनी धरती माँ अपने कोख में सारा संसार समाये हुए आगे बढ़ रही थी। बहुत से दानवों ने इस धरती को अपना बनाने के लिए कमजोर लोगों पर बहुत जुल्म किए, लेकिन बुराई ज्यादा देर नहीं टिकती। उसका अंत देर से ही सही पर होता ही है। धरती पर युगों की शुरुआत सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इस कलयुग में मानवता नष्ट हो रही है। हर दिन इंसान बुरे काम कर रहा है। हमारी धरती माँ इस कलयुग के माया जाल में फंस चुकी है। काफी बुरी शक्तियां आजाद हो चुकी है। इंसान अपने मुकाम को हासिल करने के लिए बुरी शक्तियों का सहारा ले रहा है। क्या सच में बुरी शक्तियां लौट आई है? अगर हाँ तो हम बहुत बड़े खतरे में हैं। इस कहानी की शुरुआत एक अनजान मकसद से हुई। कई बार हम जो बचपन से कहानियां सुनते आए हैं उनमें से कुछ कहानियां सच के बराबर होती हैं। इस कहानी में बहुत से खतरनाक किस्से जुड़े हुए हैं। इस कहानी का मेरे जीवन से बहुत गहरा रिश्ता है। तो शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो शैतानों से जुड़ी हुई है। सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। यह है राजीव, अपनी जिंदगी से हारा हुआ। इसने अपनी सबसे प्यारी बहन को खो दिया। अब ये मंदिर में बैठकर भगवान से दया की भीख मांग रहा है। यह है आशुतोष, सबसे तेज दिमाग वाला। इसका इंजीनियर बनने का सपना सपना ही रह गया। इसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। ये है संजीव, बुरे इरादों वाला। ये दुनिया से अलग रहना पसंद करता है। मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं सकता, पर इसका और उन शैतानी शक्तियों का संबंध जरूर है। ये मैं हूं, मेरा नाम डीके। मैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूं। मैं इस कहानी की आखिरी दौर तक पहुंच चुका हूं। मैंने अपनी जिंदगी के कई साल इन शक्तियों को ढूंढने में लगा दिए, पर मेरे लिए जो काम करती है उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। मुझे लगता है कि एलिना शायद यही कहीं होगी। एलिना, एलिना,